नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है रेबाजेन टैबलेट। रेबाजेन टैबलेट जिसमें पाया जाता है रेबामिपाइड 100 mg, ये मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और भारत में हर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होने की वजह से बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसको कभी भी ना लें। तो आज मैं इस मेडिसिन के बारे में बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही आसान शब्दों में, हिंदी में बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो रेबाजेन टैबलेट है, ये एक प्रकार का एंटी अल्सर मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल अगर आपके आँख में और स्टोमाक में अल्सर नामक बीमारी हो जाती है तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। अल्सर क्या होता है? अल्सर एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें आपके स्टोमाक में और इंटेस्टाइन में अतिरिक्त एसिड का सिक्रेशन होने की वजह से उसमें छाले पड़ जाते हैं, तब उसमें एच पाइलोरी नामक जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये सही होने का नाम नहीं लेता है। तो अन्य मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ में रेबाजेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, माउथ अल्सर सभी में फ़ायदा मिलता है इसका इस्तेमाल करने से। दोस्तों जो रेबामिपाइड है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल का जो सिंथेसिस है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो पेप्टिक अल्सर है वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। ये म्यूकोसल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है और जो ब्लड में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको घटा देता है और जो ब्लड का फ्लो है इंटेस्टाइन में वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो अल्सर है आपका तो वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। इसका इस्तेमाल जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से, जो रेबामिपाइड है इसका इस्तेमाल करने से, उनके जो गर्भ में पल रहा शिशु है या फिर जो उनका जो स्तन पी रहा है, उनका दूध पी रहा है जो बच्चा, उनके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है, गर्भधारण करना चाहती है, उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से उनका जो जनन क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है और कई प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशन है वो पैदा हो सकता है। साथ साथ इसको अल्कोहल के साथ में भी नहीं लेना चाहिए। और अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका एक टैबलेट सुबह शाम दो टाइम भोजन से पहले लेना चाहिए, सुबह को खाली पेट और रात में भोजन से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो आमतौर पर 4 से 5 दिन तक लेना होता है और ज़रूरत होने पर डॉक्टर की सलाह से इसको 4-5 दिन से ज़्यादा टाइम तक भी दिया जा सकता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सुस्ती, कमजोरी, उल्टी, उपकाय, मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, दस्त, रैशेज आदि हो सकता है। तो अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान कर सकते हैं, वरना मेडिसिन को छोड़ने के बाद में ये सब परेशानी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जो रेबाजेन टैबलेट है जिसमें कि रेबामिपाइड पाया जाता है, इसका इस्तेमाल अल्सर को सही करने के लिए किया जाता है। जब आपको स्टोमक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, माउथ अल्सर होता है, तो उस समय इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पूर्ण रूप से सही हो जाता है ये। और इसका इस्तेमाल अन्य जो भी मेडिसिंस का कॉम्बिनेशन है उसके साथ में किया जाता है। खुद से इस टैबलेट का इस्तेमाल कभी भी ना करें।
तो दोस्तों जो रेवाजन टैबलेट है उसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पर प्रेस करना ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय भारत।